नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आकाश की तासीस ब्लॉग में। तो आज हम लोग आ चुके हैं, जैसा कि साकेत भैया का शादी था तो शादी में हम लोग अभी आए हुए हैं। तो चलिए अभी आपको पूरा शादी, अभी हम लोग जब तक रहेंगे तो तब तक पूरा शादी आपको दिखाते हैं। चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, जैसा कि साकेत भैया यहाँ से इनकी बारात निकल चुकी है और ये देखिए यहाँ पे भैया है, जैसा कि एक देखिए घोड़ी में एकदम सवार हो गए और यहाँ पे ये देखिए इनकी बारात निकल गई है। और इधर आप देख सकते हैं, ये देखिए आकाश भाई है और उसके बाद इधर डीजे में एकदम उधर जैसा कि डांस वगैरह हो रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर केपी कम्युनिटी मिनी मैरिज हॉल जो है, यहाँ पर जैसा कि बारात आ गया है। चालू हो गया है और पंडित जी बैठ चुके हैं, पूजा होने वाली है। उधर पीछे खाना भी चालू हो गया है, हमको नाश्ता करके चले आए हैं। आशीष भाई अभी लगे हुए हैं। तो दोस्तों ये देखिए आकाश भैया जो है वो आइसक्रीम जो है वो दबा रहे हैं और हम यहाँ जो मिठाई का जो सेंटर यहाँ पे बना हुआ है वहाँ से हमने ये रसगुल्ला और ये हलवा बहुत प्यारा बना हुआ है। तो ये मैंने खाया, आइसक्रीम तो मैंने नहीं खाया क्योंकि तबीयत खराब हो जाएगी। अब आकाश भाई बताएंगे कि आइसक्रीम कैसा बना हुआ है। आइसक्रीम तो बढ़िया है, हलवा भी बढ़िया है। लेकिन अब गर्मी पड़ रही है तो आइसक्रीम खाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी भैया बताएंगे, ये भी देखिए मिठाई वाला मिठाई सेंटर से भी रसगुल्ला और हलवा लेके आए हैं। तो भैया बताए कैसा बना हुआ है। एकदम मस्त बना हुआ है। अभी ये देखिए हम भी लेके आ गए, अब खा लेते हैं। व्यवस्था एकदम टाइट है यहाँ, व्यवस्था एकदम भैया कह रहे हैं टाइट है। ये इनका 10वां चाट है फिर से एक बार, तो खूब चाट खाए जा रहे हैं। चाट चाट के भाई साहब भी बता रहे हैं, एकदम चाट चाट के खाए जा रहे हैं। और हाँ, और भैया सर प्लीज कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं भैया। अच्छा नहीं, इनका फिगर अगर खोल देंगे तो आप भाग जाएंगे महाराज। पासी में ज्यादा दूर तो है नहीं। हाँ सही बात है, रूम तो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और नाश्ता हो गया है तो अभी खाना खाने का मन है भी नहीं। हम लोग देखिए साकेत भैया के पास चल रहे हैं, जैसा कि ये देखिए यहाँ पे भैया हैं। और ये देखिए भैया, भैया शादी की बधाई हो। धन्यवाद। देखिए आकाश भाई यहाँ पे पहुँच गए हैं और जैसा कि अभी भाभी जैसा कि अभी आ रही हैं,
तो भाभी का भी इंतजार है, तो जैसा कि अभी भाभी आने वाली है और ये आकाश। तो दोस्तों जैसा कि कब से इंतजार हो रहा था भाभी का, तो जैसा कि भाभी अब जो है स्टेज पे धीरे धीरे आ रही हैं, अभी आप देख सकते हैं भैया का जो इंतजार है वो एकदम अब खत्म होता हुआ। अब भैया अभी एकदम रेडी हो रहे हैं भाभी को क्या नाम है कि स्टेज पे लेने, मतलब कि यही वो पल है जिसके लिए भैया एक बार आता है और हमारे प्यारे भैया साकेत भैया। भैया ब्यूटीफुल जिंदाबाद अरे लाल फूल के आगे भी कोई फूल है भाई, गेंदा का फूल है भैया, अच्छा गाना गा ले, गेंदा का मामा, अरे ये क्या भैया, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हमारा भाई तो यहाँ पे जमाल हो चुका है, जैसा कि अब क्या नाम है आशीर्वाद समारोह, आशीर्वाद समारोह, और यहाँ पे वंदे मातरम का जयकारा वगैरह सब लग रहा है और भगवान का नारा भी लग रहा है जो कि जरूरी है। हाँ, तो अभी अंकुर भाई है जो कि सिस्टम बनाने में लगे हुए हैं, और अंकुर भाई यहाँ आइए, आइए आइए भाई, आइए आइए अंकुर भाई शर्मा कर चले गए। तो अभी आशीर्वाद समारोह चल रहा है, जैसा कि हम आप लोगों को दिखाते हैं, तो बने रहिए इस ब्लॉग में। एक बार तो दोस्तों अब हम खाना खा चुके हैं और आशीष भाई भी अब खा ले, तो हम और भाई हम क्योंकि पूरे वीडियो में अंकुर भाई साथ थे, मतलब पूरे शादी में कह सकते हैं। हाँ, अंकुर भाई साथ थे और हम लोग साथ में एंजॉय किए, जैसा कि खाना हो तो गया, आकाश भाई खा ही चुके हैं और अंकुर भाई से भी मिलकर बहुत अच्छा लगा, हम लोगों को एक नया दोस्त मिला। हाँ। और खाना खाकर अब हम चलते हैं। तो अगर आपको ये शादी का साकेत भैया की शादी का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए, फिर मिलते हैं किसी ऐसे धमाकेदार ब्लॉग में, तब तक के लिए चलते हैं।